हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MGNF रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। MGNF क्या है एक्चुअल में? दिस इज़ अ फेलोशिप, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इस पूरे वीडियो में हम लोग उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, स्टाइपेंड यहाँ आपको मिलेगा तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से मिलेगा। ओके, 2 ईयर्स का ये प्रोग्राम है तो स्टाइपेंड दोनों ईयर्स में डिफरेंट है, सेम नहीं मिल रहा है, ठीक है। साथ में मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी, जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के किस तरह के टॉपिक्स हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर को जानेंगे और यस, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के मन में आता है हमेशा ही फेलोशिप को लेकर के, कि क्या ये एक परमानेंट जॉब है? क्या जहाँ पर हम फेलोशिप कर रहे हैं वो हमें परमानेंट जॉब दे रही है? तो ये चीज़ भी आज क्लियर करूँगी मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी गांधी फेलोशिप के बारे में, उसमें मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो मोस्ट ऑफ द कमेंट इसी चीज़ के रिगार्डिंग थे कि भाई ये जो फेलोशिप है ये हमें परमानेंट जॉब तो नहीं दे रही है, तो फिर क्या है, क्यों, मतलब क्यों इसमें करना चाहिए। तो आज वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि क्यों आपको ये फेलोशिप ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई लिंक आपको सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर लोगे। ओके, अब हम सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, ठीक है। देखिए, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये 2 साल का है, यानी कि 2021 से लेके 2023 तक आप इसके अंदर इंगेज रहोगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए यहाँ पर कोई भी इंडियन सिटीज़न इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी एज 21 से 30 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। एज क्राइटेरिया 21 से लेके है 30 साल तक, ओके, यानी कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत से ऐसे वीडियोस शायद आप लोगों ने देखा होगा जिसमें लिख रहा है या उन लोगों ने बताया है कि भाई फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया था तो वहाँ पर क्लियर इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि फाइनल ईयर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उससे अलग अगर आप फ्रेशर्स हो, आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ओके। बट यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस द प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि जहाँ पर भी मतलब आपको ये इस फेलोशिप के दौरान भेजा जाएगा वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, ओके। अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जान लेते हैं। तो देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपका होगा एक रिटन एग्ज़ाम, और जब आप उस रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे तो आपका होगा एक पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। जो भी लोग रिटन एग्ज़ाम में क्लियर होंगे वही लोग इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसीड किए जाएंगे, ठीक। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 50,000 पर मंथ तो मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर में 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, और जब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे तो वहाँ पे आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा, यानी कि 10,000 का यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। उससे अलग अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, ओके। और जो एग्ज़ाम होगा इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आएंगे, एक तो आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठे हो, आपने कभी एग्ज़ाम दिया है, तो आपको पता होगा कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं ये पूछी जाती हैं। सो ऐसा ही इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, बहुत जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वही यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपको स्पेशली किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। जो आप नॉर्मली अपने एग्ज़ाम्स के लिए करते ही हो उसी की चीज़ें लगभग यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी इस एग्ज़ाम में भी, ओके। इससे अलग जो आपका ये एग्ज़ाम होगा ये आपका अप्रैल के 3rd वीक में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। इन फ्यूचर कोई चेंज आता है तो मैं आपको इसमें
बता दूंगी। ओके, अभी तक जो डेट है या जो मतलब इन लोगों ने एक आइडिया दिया है वो यही दिया है कि अप्रैल के थर्ड वीक तक आपका एग्ज़ाम ये लोग ले लेंगे, और उसके बाद जो भी लोग एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएंगे वो पास हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए आगे की तरफ। ठीक है, अब इसमें इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या है, क्यों आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इस प्रोग्राम को करने के लिए वो होती है आपकी स्किल डेवलपमेंट। अगर आप इस प्रोग्राम में एंगेज होते हैं, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे लीडर्स पर्सनालिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी, मेंटोर्स मिलेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ज़रूर ऐड कर देंगे। आप खुद को मतलब जब आप इस फेलोशिप को कम्प्लीट कर लोगे ना, आपको खुद के अंदर एक चेंज ज़रूर दिखेगा। आप एक बार अगर आप लोग इसमें मतलब अप्लाई करने चाहते हो लेकिन आपके मन में डाउट है ना, तो आप लोग एक बार ज़रा गूगल पे ज़रूर सर्च करना और उसमें जो भी आपका डाउट है आप डाल कर देखना। मैंने भी वहाँ पे जाकर चेक किया था तो काफ़ी बच्चों ने इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। जिन लोगों ने फेलोशिप वहाँ पे मतलब कंप्लीट की हुई है, उन लोगों के रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे और सभी लोगों ने फेलोशिप प्रोग्राम को बेस्ट बोला है कि मतलब बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, स्किल्स आपके डेवलप हो जाती हैं, आपको लीडर्स मिलते हैं जो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगा ये प्रोग्राम। ओके, सो मेरे हिसाब से आपको इस प्रोग्राम में ज़रूर ज्वाइन होना चाहिए अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो तो। अगर आपके लाइफ के प्लान्स कुछ और हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप लोग उसे छोड़कर इसे ज्वाइन करो, बट यस, अगर आपने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, आप लोग बस अपनी स्टडी ही कर रहे हो, आगे भी हायर स्टडी करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, कहीं से भी आपका नुकसान नहीं होगा इस प्रोग्राम को करने में। ओके, अब बात आती है कि भाई हमें फ्यूचर में जॉब मिलेगी क्या, ये लोग हमें परमानेंट जॉब दे रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, यहाँ पर जॉब मिलने की ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि दो साल बाद आपकी कोई परमानेंट जॉब ये लोग देंगे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, होता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो हो सकता है कि भाई आपको एक ये लोग खुद से प्लेसमेंट दिला दे। लेकिन यस, यहाँ पे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब आप यहाँ पर अपने स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, और आप आगे कहीं पे सोशल सेक्टर में आप जॉब चाहते हो, आप जाओगे आगे, तो आपको सोशल सेक्टर में जॉब बहुत इजीली मिल जाती हैं, आपके चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो आपको मतलब जैसे आप आगे के लिए जॉब में जाओगे कहीं भी, तो वहाँ पे जो भी स्किल्स के रिक्वायरमेंट होती है वो ये प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी सिखा देगा, तो आपको सोशल सेक्टर में जॉब आसानी से मिल जाती है। और ये लोग भी जॉब दिलवाते हैं, प्लेसमेंट्स कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज से आपका यहाँ पर इंटरेक्शन होगा ड्यूरिंग द फेलोशिप। जब आप इस फेलोशिप को कर रहे होगे तो काफ़ी मतलब जो बड़े लोग हैं या मतलब जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, मेंटोर्स हैं, उनके साथ आपका यहाँ पर इंटरेक्ट ये लोग आपको करवाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। ओके, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर इसके बारे में गूगल पर एक बार ज़रूर सर्च करना अपने एंड से। ये तो चीज़ें हैं जो मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी, लेकिन आप खुद से भी सर्च करना। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ बिल्कुल भी कि आप लोग बस एक वीडियो को देखकर ये चीज़ डिसाइड कर लो कि आपको करना है या नहीं करना, बिल्कुल करो। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है, मन में थोड़ी सी भी कोई क्वेरी है, तो एक बार उन लोगों का पर्सनल रिव्यू ज़रूर पढ़ो जो लोग ऑलरेडी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को उनका एक्सपीरियंस देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको, आपके काम की थी या नहीं थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप में से कौन लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, वो लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि हाँ, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को जैसी भी लगी हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपके काम की हो, और इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी लोग अपने कॉलेज के स्टडीज़ कर रहे हैं, आगे हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोग्राम है, तो प्लीज़ उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ सब तक
पहुंचेगी। ओके, कोई अच्छी चीज़ होती है तो डेफिनेटली वो चीज़ सब तक जानी चाहिए, केवल लिमिटेड लोगों तक नहीं रहनी चाहिए। तो आई होप आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आगे मैं जितने भी वीडियोज़ लेकर के आऊँ जो कि आपके काम की भी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग वीडियो बन जाए, तो वो वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।